करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। राजधानी भोपाल का भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर और दफ्तर में शुरू हुई ऐसी खलबली कि भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हलचलें तेज हो गई। कहा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, चेहरों की कवायद भी शुरू हो गई और बाकायदा सोशल मीडिया के धुरंधरों ने तो नामों की फहरिस्त भी तय कर डाली। यहाँ पर इस कहानी पर से पर्दा भी उठाएंगे और आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम और अनाम की लड़ाई लगातार जारी रही, ये कहानी भी आपको बताएंगे। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ महेंद्र सिंह और बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनावी साल में सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के बीच में सियासी केमिस्ट्री नहीं बैठ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। कोर कमेटी को बुलाना था, लेकिन उसका शोर दिल्ली तक जाना था, ये तय किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक हारी अपनी तमाम सीटों का एक रिपोर्ट कार्ड एक जमीनी धरातल पर बड़ा आकलन कर तैयार कर दिया है, उसका प्रस्तुतिकरण भी बड़े नेताओं को दिखाना था। लेकिन शोर ये मचा कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, कुछ नेताओं के नाम दिल्ली तक पहुंच गए और बताया गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही 5 राज्यों के अध्यक्षों का ऐलान कर देंगे। ऐसे में दो ऐसे चेहरे थे जो कि सुबह से लेकर देर रात तक यानी कि अब तक भी जो हैं वो लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। बार बार सोशल मीडिया पर ये बात फैलाई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन दोनों ही नेताओं के कंधों पर पहले ही पार्टी का बहुत हद तक बोझ है। ऐसे में समीकरणों के गणित में ये दोनों ही नेता फिलहाल तो पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वे में खुद को ग्वालियर भिंड मुरैना वाले बेल्ट से लगाकर मालवा और निमाड़ तक में कमजोर महसूस कर रही है, लिहाजा इन दोनों ही प्रांतों से नेताओं को आगे लाना होगा। यानी कि ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर और मालवा से कैलाश विजयवर्गीय ही एकमात्र विकल्प होंगे। लेकिन कोर कमेटी का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि 5 घंटों तक मैराथन चली भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में। चेहरों पर तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हारी हुई सीटों का रिपोर्ट कार्ड जरूर अब बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान तक पहुंच गया है। उसके बाद एक और वर्ग पहेली यहां पर कायम है। कहा जा रहा है कि तोमर या विजयवर्गीय ही विकल्प होंगे क्या? मालवा और ग्वालियर भिंड मुरैना के बेल्ट से ही नेता आगे लाए जाएंगे क्या, या फिर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शह और मात के खेल में बाजी मार ले जाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की ही ये जोड़ी जोरदार है जो कि मिशन 2023 में एक बार फिर सत्ता का रास्ता तय कर सकती है। बहरहाल ये दो चेहरे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन वजह भी साफ है। ग्वालियर में कमजोर हुई पार्टी को मजबूती देना है तो तोमर को आगे लाना होगा, यानी कि उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाना होगा। और यदि मालवा और निमाड़ में बीजेपी का मैजिक बढ़ाना है तो कैलाश विजयवर्गीय से बड़ा कोई विकल्प नहीं। बहरहाल इन दोनों ही मसलों पर मंथन जारी है और घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 24 घंटे पार जरूर हो चुके हैं, लेकिन 48 घंटों के बाद सर्जरी का क्या परिणाम है ये देश और प्रदेश के सामने जरूर आना है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजातर इन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।